दोस्तों सी सी के इस लाइव लेक्चर में आप सभी का स्वागत है मित्रों जैसा कि आप सब जानते हैं निरंतर हमारा यही प्रयास है कि हम आपके लिए निरंतर विभिन्न श्रृंखलाओं का आयोजन करें और इन श्रृंखलाओं के तहत हम यही कोशिश करते हैं कि विभिन्न लेक्चर्स के माध्यम से हम आपको पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध कराएं मित्रों आप सभी के अनुरोध पर हम बताना चाहेंगे एक बार फिर से हमने आप सभी के लिए लेक्चर आज आयोजित किया है संस्कृत साहित्य का इतिहास इस पर यानी कि हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर पर हमने पहले भी एक लेक्चर इस श्रृंखला के अंतर्गत आप सभी के लिए आयोजित किया था आप सभी को ये लेक्चर इस सीरीज़ के अंतर्गत काफ़ी पसंद आया आपकी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंची इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और आपके लिए लेक्चर आयोजित करें हम यही आपसे वादा करते हैं कि आगे भी इस श्रृंखला के तहत हम आपके लिए लेक्चर्स आयोजित करने वाले हैं मित्रों बताना चाहूँगी इस श्रृंखला पर यानी कि आज के इस लेक्चर में भी आ, अपने ज्ञान द्वारा आप सभी को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज मिश्र डॉक्टर पंकज मिश्र एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज के संस्कृत विभाग में तो आइए मित्रों तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर पंकज मिश्र का और संस्कृत साहित्य का इतिहास इस पर ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं इनके माध्यम से तो डॉक्टर पंकज मिश्र आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद गीतिका जी मित्रों सुप्रभातम जैसी की सूचना गीतिका जी ने दी संस्कृत साहित्य के इतिहास इस विषय पर आप सारे लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया आई और पुनः पुनः निवेदन भी हुआ कि इस श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाए और उसी क्रम में हम आज उसकी दूसरी श्रृंखला लेकर आपके सामने परिचर्चा में आए हैं आज का हमारा मूल विषय होगा वेद और ऋग्वेद इस विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं मित्रों जब पूरे भारतीय संस्कृत साहित्य का विश्लेषण किया जाता है तो हमने उसे चार भागों में बांटा था जिसमें प्रथम वैदिक साहित्य था और उसके अंतर्गत हमने आधुनिक साहित्य तक की एक यात्रा की थी जिसमें क्रमशः सबकी विवेचना की थी आज हम एक एक विषय को लेकर के विस्तृत विवेचना प्रारंभ कर रहे हैं और आज की हमारी चर्चा वेद और ऋग्वेद को लेकर के होगी वेद नाम से ही स्पष्ट है भारतीय सभ्यता भारतीय संस्कृति भारतीय अस्मिता भारतीय अस्तित्व भारतीय विचारधारा के जो स्रोत और आधार ग्रंथ हैं वह वेद माना जाता है वेद के विषय में चर्चा मात्र से ही ऐसा लगता है कि किसी अभूतपूर्व पूर्व, पूर्व ज्ञान का स्रोत पुंज है मनुस्मृति में इसे वेदोखिलो धर्म मूलम कहके वेद के बड़ी अच्छी प्रशंसा की गई है मानो सारे धर्मों का मूल यह वेद है सारे वेद धर्मों के मूल हैं इस वेद शब्द की व्याख्या कैसे की जाए मित्रों जब कोई नाम रखा जाता है तो नाम से पूर्व उस पर चिंतन नहीं होता इसीलिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि वेद शब्द का अर्थ क्या ग्रहण किया जाए क्योंकि जब रचना की गई होगी तो यह सोच करके रचना नहीं की गई होगी कि हम वेद की रचना करने जा रहे हैं लेकिन हम आज उसे वेद के रूप से जानते हैं तो इस विषय में हम सर्वप्रथम यह जाने कि वेद की एक बड़ी ही सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की है स्वामी दयानंद ने इनकी व्याख्या है अभी स्क्रीन पे आपने देखा होगा विदंती जानंती विद्यंते भवंती अथवा विचारयन्ति सर्वे विद्वान् लंद भवन्ति ते वेदाः वेदा जिनसे या जिनमें मनुष्य ज्ञान प्राप्त करे सत्य का साक्षात्कार करे या उसका विचार करे वे वेद है तदनुसार प्राचीन काल में क्रांत दृष्टा ऋषियों के द्वारा अपनी प्रातिभ दृष्टि से जिस ज्ञान का साक्षात्कार किया गया वह वेद है वेद शब्द में वेद धातु है तदनुसार इसका निर्वचन किया जाता है इस शब्द का विश्लेषण किया जाता है वेद्यते ज्ञाते अनेनेति वेद अर्थात जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए वह वेद है इस प्रकार यदि हम वेद को देखें तो यह वेद समस्त ज्ञान का पुंज है तदनुसार अब आगे हम देखते हैं कि वेद में संहिताओं की चर्चा होती है वस्तुतः इन वैदिक मंत्रों का जो संग्रह है उसे संहिता नाम दिया गया संहिता से तात्पर्य है मंत्रों का संकलन ऐसा माना जाता है कि वेदों के मंत्र ऋषि कुलों में बिखरे हुए थे जिन्हें संकलित किया गया और संकलित किए जाने के कारण इसका नाम संहिता दिया गया सामान्य भाषा में हम इसको कहते हैं वैदिक मंत्रों का संग्रह अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये संहिताएं हैं कितनी जैसा हमें ज्ञात है कि हमने वेद के चार प्रकार किए थे वेद चार वेदों का उल्लेख हमने किया था और तदनुसार वे, वे, वे थे वेद थे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद तो इस प्रकार यह चार वैदिक संहिता है जिसमें ऋग्वेद को हम देखते हैं कि ऋग्वेद की क्या व्याख्या बनती है जैमिनी सूत्र यानी मीमांसा दर्शन के मीमांसा सूत्र में जैमिनी ने क्रमशः ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद की व्याख्या प्रस्तुत की है स्क्रीन पे आपके सामने यह व्याख्या है जिसमें ऋग्वेद के विषय में कहा गया कि तेषाम ऋग्व्यत्रार्थवशन पाद व्यवस्था अर्थात दूसरे शब्दों में हम संहिता देखें ऋग्वेद संहिता किसे कहते हैं कि जो अर्थ के कारण अर्थ के द्वारा जो पाद व्यवस्था है वह ऋग्वेद है दूसरा यजुर्वेद की व्याख्या है शेषेयजु शब्द और तीसरी व्याख्या है सामवेद की गीतीशु सामाख्या ऐसा प्रतीत तो होता है कि वस्तुतः अगर हम इसको जानने की कोशिश करें कि इन तीनों का लक्षण हमें जैमिनी सूत्र में प्राप्त होता है और इसी की व्याख्या रही है जिसके कारण त्रयी शब्दावली चली ऋग्वेद के संदर्भ में एक शब्द विशेष जो संख्या पर आधारित है वह प्रचलित है वह है त्रयी जिसका अर्थ है तीन का समूह वस्तुतः ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद इन तीनों को त्रयी कहा गया किंतु कालांतर में एक और संहिता का निर्माण हुआ वह अथर्वेद कहलाया और इस प्रकार ये चार संहिताएं चली ध्यातव्य है कि अथर्व वेद को त्रय के अंतर्गत समाविष्ट नहीं किया क्योंकि इसके रचना में एक काल विशेष का अंतराल प्रतीत तो होता है साथ ही हम यह देखते हैं कि जो हमारी जो प्राचीन परंपरा रही है वो याज्ञिक परंपरा रही है वो यज्ञ की परंपरा परंपरा रही है और ये समस्त वेद मिलकर के उन यज्ञ क्रियाओं का उन यज्ञ कर्मों का, का कर्मों का जो संपादन होता रहा है उसमें ये मूलतया सविशेष ये उसमें लीन रहे हैं अब एक बात और आती है कि देखें कि यद्यपि वेद को अखंड माना गया है अर्थात इस आधार पर वेद के हम विभाग नहीं कर सकते वेद के भाग नहीं कर सकते तथापि मंत्रों के स्वरूप एवं विनियोग की दृष्टि से संहिताओं में हम संख्या पाते हैं और तदनुसार ये संख्या जो है ये चार है और वह चार अभी आपके सामने चर्चा की हमने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। मित्रों हम इसके साथ एक और तत्व को जानने का प्रयास करते हैं जैसा कि हमने कहा कि इन वेदों का प्रमुख कार्य यज्ञ रहा है यज्ञ का संपादन रहा है तो इस यज्ञ के संपादन में जिनकी विशिष्ट भूमिका रही है उसको आज के संदर्भ में या सामान्य भाषा में हम पुरोहित कहते हैं लेकिन जो ऋग्वेदिक या वैदिक शब्दावली है उसमें ऋत्विक शब्द का प्रयोग किया जाता है जहां ऋत्विक शब्द का अर्थ है ऋतौ याजयति इति ऋत्विक अर्थात जो सामान्य रूप से कहें कि जहां पर ऋचाओं से संबद्ध देवता की प्रशंसा हो या जहां ये कहें कि सामान्य वैदिक यज्ञ में जो पुरोहितों के रूप में अनुष्ठान कराते थे वे ऋत्विक कहलाते थे और इन मंत्रों का उपयोग यज्ञ के लिए होता था नीचे एक और पंक्ति आपके सामने आ रही होगी कि वैदिक युग के पुरोहितों की संस्था यानी ऋत्विक एक समूह हुआ करता था जो वैदिक युग में पुरोहितों का समूह होता था जो इस विषय पर परिचर्चा इस कार्य का संपादन करता था तदनुसार प्रतिवेद ऋत्विक का उल्लेख प्राप्त होता है दूसरे शब्दों में यदि ऋग्वेद है तो ऋग्वेद के कार्य की दृष्टि से एक ऋत्विक है इसी तरह यजुर्वेद सामवेद और अथर्वेद के ऋत्विक हैं। इन ऋत्विकों के नाम यदि हम जाने तो ऋग्वेद के जो ऋत्विक हैं उसे होता यजुर्वेद के जो ऋत्विक हैं उसे ऋत्विक हैं उसे उद्गाता और जो अथर्ववेद के ऋत्विक हैं उसे ब्रह्मा नाम दिया गया ऋत्विक के ये वर्ग कहलाए जाते हैं ऋत्विकों के ये समूह कहलाते हैं हम देखते हैं कि जो होता इनका क्या कार्य है होता ऋग्वेद का पुरोहित है यज्ञों में देवताओं का आवाहन करना यह होताओं का प्रमुख कार्य होता है आप देखेंगे कि इसकी व्याख्या है होता आह्वयति देवान अर्थात जो देवताओं का आवाहन करे जो देवताओं को बुलाए यहां पर हम एक चीज और ध्यान दे ले कि ऋचाओं से संबद्ध देवता की प्रशंसा गुणों का वर्णन तथा यज्ञ में उपस्थित तो होने की याचना ये होता करते हैं ऋचाओं के छोटे बड़े संग्रह बनाकर इस आवाहन कार्य को संपन्न होता करते हैं होता के उपयोग के लिए उपलब्ध समस्त ऋचाओं का संकलन करके ही ऋग्वेद संहिता का निर्माण हुआ और यही कारण है कि ऋग्वेद का एक अपर नाम है और वह नाम है होत्रिवेद ध्यान से सुने सामान्य रूप से तो हम ऋग्वेद कहते हैं इसमें किसी भी प्रकार की विप्रतिपत्ति नहीं है लेकिन छात्रों के ज्ञान की दृष्टि से यह कभी कभी प्रश्न बनता है कि होत्रिवेद किसे कहा जाता है तो इस विश्लेषण के आधार पर हमारी ये सूचना है आपके लिए कि ऋग्वेद का ही दूसरा नाम होत्रिवेद है या यू कहें कि ऋग्वेद को कभी कभी होत्रिवेद से भी जाना जाता है होता के अनंतर हम अधर्यु की चर्चा करते हैं ये अध्यर्यु अभी जैसे सूचना हमने दी ये, ये यजुर्वेद के ऋत्विक हैं अधर्यु शब्द का अर्थ होता है अध्वरम युनक्ति इध्वरियु या अध कामयते ये अध्वर्यु यज्ञ के अनुष्ठान का पूरा कार्यभार संभालता है दूसरे शब्दों में कहें कि यज्ञ के समस्त आयोजन इन्हीं के अंतर्गत समाविष्ट होता है यज्ञ के आरंभ से लेकर और परिचालन और समाप्ति तक की सारी क्रियाओं सारे कलापों का संगठन या संयोजन यह अधर्यु ही करता है वस्तुतः अध्वर्यु सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋत्विक होता है दूसरे जैसा मैंने कहा कि आज के संदर्भ में यह कहें कि मैनेजमेंट को अपने ग्रिप में लेकर चलने वाला अध्वर्यु होता है यज्ञ की सारी व्यवस्था को अपनी मुट्ठी में एक सूत्रधार के रूप में लेकर के चलने वाला एक डायरेक्टर के रूप में चलने वाला अध्वर्यु होता है जो यज्ञ का संपादन करता है महत्व की दृष्टि से देखें तो इसी के कार्य में प्रवृत्त होने पर अन्य ऋत्विक का कार्य आरंभ होता है दूसरे शब्दों में जैसा हमने कहा कि अन्य ऋत्विक का अर्थात चाहे वो होता हो चाहे वे उद्गाता हो चाहे वे ब्रह्मा हो इन तीनों की भूमिका तभी प्रारंभ होती है जब अधर्य अपना कार्य प्रारंभ करता है अध्वर्य के बाद जो तीसरा ऋत्विक है वह है उद्गाता उद्गाता सामवेद के ऋत्विक है ये ऋचाओं का गायन करता है ये ऋचाओं का गायन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करते हैं दूसरे शब्दों में ऋग्वेद के कुछ चुने हुए गेय मंत्रों का संकलन इस यज्ञ के अवसर पर उद्गाता अपने गाने के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं जिनका एक सामान्य लक्ष्य होता है देवताओं को प्रसन्न करना यानी होता ने जिस देवता का आवाहन किया जिस देवता को बुलाया उस देवता की प्रसन्नता के लिए ये उद्गाता गान करते हैं आज भी आप देखते होंगे कि विभिन्न अवसरों पर गायन होते हैं वैदिक मंत्रों का वो कदाचित व्यवस्था का एक विकसित रूप है जहां पर गायन के माध्यम से हम देवताओं को प्रसन्न करने का सार्थक प्रयास करते हैं इसके बाद हम अथर्ववेद के यानी के पुरोहित ब्रह्मा को पाते हैं एक चीज और स्पष्ट कर लें यहाँ ब्रह्मा से तात्पर्य पौराणिक ब्रह्मा नामक देवन नहीं है आज भी कुछ प्राचीन परंपराओं के अनुसार कई जगह पर विवाहादि जो विशिष्ट हमारे कर्म होते हैं उनमें किसी व्यक्ति विशेष को ब्रह्मा का कार्य भार दिया जाता है इस ब्रह्मा का कार्य यज्ञ के अवसर पर यज्ञ का निरीक्षण करना है सारी क्रियाओं का साक्षी अशुद्धियों का संशोधन संकट निवारण भ्रम का निवारण करना इस ब्रह्मा का प्रमुख कार्य होता है और चूंकि इन सारी भूमिका में ये ब्रह्मा होते हैं इसीलिए यह आवश्यक है ब्रह्मा के लिए कि ये अन्य तीनों वेदों में निपुण होते हैं तीनों वेदों में निपुण का मतलब क्या होता है कि समस्त विधि व्यवस्था वैदिक परंपरा को ये जानने वाले होते हैं इस प्रकार इन चारों पुरोहितों के समवाय के द्वारा एक सफल यज्ञ का संपादन होता है यज्ञ सफल होता है यज्ञ संपन्न होता है मित्रों इसके साथ एक और आ, प्रश्न होता है एक और नई चर्चा आती है बात चलती है और वह यह है कि इन वेदों की शाखाओं की भी चर्चा होती है प्रश्न है कि वेदों की क्या शाखा होगी वेदों की शाखा से तात्पर्य है कि यदि ऋग्वेद है या यजुर्वेद है या सामवेद है या अथर्वेद है इन सारे वेदों से संबद्ध उन्हीं उन्हीं वेदों की कई भिन्न शाखाएं हैं हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जहां पर महाभाष्य की पंक्ति है महाभाष्य के रचयिता पतंजलि है पतंजलि ने महाभाष्य में वेदों की शाखाओं के विषय में एक परिचय दिया है मैं सूचना दे दूं कि वेदों की कुल 1130 शाखाओं का उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया है यहां पर जब कुल 1130 की बात करते हैं तो चारों वेदों की शाखाओं को मिलाकर के यह 1130 है तदनुसार जो पंक्ति है चारों वेदाह सरहस्या बहुधा भिन्ना देखें चार वेद सांगा सांगा यानी अपने अपने वेदांग के साथ और सरहस्या यहां रहस्या से तात्पर्य है रहस्य विद्या अर्थात उपनिषद अपने अपने संबद्ध उपनिषदों के द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं से युक्त हैं चारों वेद जिनमें एक शतम अद्वर्यु शाखा यानी अध्ययु अर्थात यजुर्वेद की एक सौ शाखा है इसी प्रकार सहस्र वर्तमा सामवेद जो सामवेद है इनकी एक हजार शाखाएं हैं सामवेद की है नहीं एक हजार शाखाएं थी फिर है एक विंशति धा बाह्य मतलब इक्कीस शाखा ऋग्वेद की है और नवधा अथर्वण और अथर्ववेद की नौ शाखाएं इस प्रकार इन नौ शाखाओं का उल्लेख पतंजलि ने किया है अब हम ध्यान से देखें एक सौ की शाखाओं का उल्लेख प्राप्त होता है एक हजार सामवेद की शाखाओं का उल्लेख प्राप्त होता है इक्कीस ऋग्वेद की शाखाओं का उल्लेख प्राप्त होता है तदनुसार अनुसार की नौ शाखाओं का उल्लेख प्राप्त होता है तो सौ एक हजार इक्कीस और नौ सब मिला करके ग्यारह सौ तीस शाखाएं उपलब्ध है ग्यारह सौ तीस शाखाओं की चर्चा प्राप्त होती है अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि इन शाखाओं का तात्पर्य क्या है यह शाखा है क्या क्यों इसे हम शाखा कहते हैं तो हम पाएंगे कि इन शाखाओं का जो उपयोग है वो धार्मिक उपयोग है धार्मिक उपयोग के कारण इनकी शाखाएं बनी और मूल जो इन शाखाओं में भेद है वह इस प्रकार है कि किसी एक परंपरा में पढ़ी व पढ़ाई जाने वाली वेद संहिता उस संहिता की शाखा की जाती कही जाती है देखिए आज के संदर्भ में यदि हम देखें तो कथन मात्र के लिए हम कहते हैं कि विद्यालय और इस प्रकार विद्यालयों की कई संख्या है सब जगह विषय एक ही पढ़ाया जाता है पाठ्यक्रम एक ही होता है लेकिन उसी पाठ्यक्रम को अलग अलग विद्यालय में अलग अलग तरीके से छात्रों की मानसिकता के अनुरूप उसे पढ़ाया जाता है तो इसीलिए हम उसे स्कूल कहते हैं और यहां पर भी अगर हम ये कहें कि ये वेदों के स्कूल्स हैं अर्थात अलग अलग जगह अपनी अपनी परंपरा से जहां गुरु अपने शिष्यों को पढ़ाते थे तदनुसार ये शाखाएं विकसित हुई लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि ये मंत्र बदल जाते थे मंत्र यही रहते थे वहां पर उच्चारण भेद में और कहीं कहीं मंत्रों की संक्षिप्तता को लेकर के हम अंतर पाते हैं इन शाखाओं में इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है हम आप बहुधा दो तीन नाम सुनते हैं एक नाम है उषा और दूसरा है षटकोण ये दो शब्द हम आप बहुधा सुनते रहते हैं किसी खास प्रदेश में उषा को उखा कहा जाता है और षटकोण को खटकोण कहा जाता है अब यह क्या बात हुई मूल शब्द है उषा जहां पर शा मूर्धन्य है इसी प्रकार मूल शब्द है षटकोण जहां पर शा मूर्धन्य है तो यह उच्चारण भेद क्यों हो रहा है तो यजुर्वेद की एक शाखा है माध्यम दिन जहां पर मूर्धन्य शा को ख कहने का विधान है तो इसी प्रकार जिस देश प्रदेश के व्यक्ति ने या जिस शिष्य ने उस माध्यम दिन शाखा का अनुसरण किया उन्होंने उषा को उखा कहना प्रारंभ किया तद अनुसार षटकोण को खटकोण कहना प्रारंभ किया एक और शब्द है षष्ठी उसे भी बहुधा लोग खष्ठी कहते हैं तो ये यहां पर जैसी शाखा है उस शाखा में भेदों के हमें कारण को आपके सामने प्रस्तुत किया तद अनुसार भेद किस रूप में माना जाता है वो मंत्रों के उच्चारण या मंत्रों के बलाघात में जो कहां पर स्ट्रेस है इन चीजों को ध्यान में करके जो समझाया सिखाया जाता है तो अलग अलग शाखा के बच्चे अलग अलग रूप में सीख करके आते हैं इसलिए उनकी शाखाएं होती है और तद अनुसार ये शाखाएं ग्यारह थी।, थी लेकिन ये सारी शाखाएं अब प्राप्त नहीं होती इनकी कई ऐसी शाखाएं हैं जो विलुप्त तो हो गई हैं और कुछ सीमित शाखाएं बची रह गई हैं हम आगे इसकी चर्चा करेंगे जैसे खास करके ऋग्वेद के क्रम में बाष्कल है शाकल है या इसी तरह अश्वलायन है मांडुकायन है तो ऐसी कुछ शाखाएं हैं सामवेद में जैमिनीय शाखाएं हैं राणायनीय शाखाएं हैं, अभी यजुर्वेद की चर्चा हमने की माध्यम शाखा है कानव शाखा है तो इस प्रकार 1130 शाखाएं तो आज प्राप्त नहीं होती है हम उदाहरण मात्र के लिए हमने ये संख्या बताई कि पतंजलि के काल में पतंजलि का काल जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग का काल रहा है सेकेंड सेंचुरी बीसी क्योंकि आ, 180 बीसी के बाद पुष्यमित्र शुंग का शासन पाया जाता है तो उनके समकालीन थे तो उस समय में यानी सेकेंड सेंचुरी बीसी के काल में पतंजलि के अनुसार 1130 शाखाएं विद्यमान थी और उन्हीं 1130 शाखाओं में अब कुछ शाखाएं उपलब्ध मात्र रह गई है मित्रों ये वेद हम इसके आधार पर इसके बाद क्रमशः हम वेदों की चर्चा प्रारंभ करेंगे जिनमें ऋग्वेद की चर्चा प्रारंभ करेंगे लेकिन एक चीज स्पष्ट रूप से जान लें कि इसी वेद से ब्राह्मण आरण्यक विभिन्न वेदांग उपनिषद साहित्य आदि का विस्तार हुआ और साथ ही संस्कृत की परंपरा में लिखे जाने वाले जितने भी साहित्य हैं कमोबेश उन सारे साहित्यों का आधार उन सारे साहित्यों का दर्शन वैदिक दर्शन है जिन जिन शाखाओं ने या विचारधारा ने वेद को प्रमाण नहीं माना है हम आप सभी जानते हैं कि सामान्य परंपरा में ऐसे वेदों को प्रमाण ना मानने वालों को नास्तिक कह दिया गया है और तदनुसार हम आप सभी जानते हैं कि बौद्ध विचारधारा जैन विचारधारा और चारवाक विचारधारा ये दोनों जो विचारधाराएं हैं इनको नास्तिक विचारधारा की श्रेणी में रखा जाता है अस्तु यह प्रतिपाद्य नहीं है हमारे लिए कि नास्तिक और आस्तिक लेकिन मेरा इस जगह पे संकेत मात्र है कि वेद किस प्रकार यहाँ भारतीय अस्मिता या भारतीय मनुष्य के कण कण में अपने ज्ञान को संपोषित किए हुए हैं हमारे हर चिंतन का प्रमाण ही वेद है जैसे कि मैंने शुरू में चर्चा की थी वेदो खिलो धर्म मूलम उसी प्रकार मनु इस वेद को परम प्रमाण भी कहते हैं और तदनुसार वे चार प्रमाण की चर्चा करते हैं जिनमें वेद को प्रथम प्रमाण कहा है वेद है स्मृति है सदाचार है और अपने आत्मा की प्रियता है ये चार बेसिकली प्रमाण की चर्चा आई है जहां पर कि वेद परम प्रमाण है वेद के संदर्भ में ये सूचना आपने सुनी मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं और फिर हम इसकी चर्चा आगे जारी रखेंगे ऋग्वेद के विषय में कुछ जानने का प्रयास करते हैं अभी जो वेद की चर्चा है उस वेद को सामान्य परंपरा में जब हम वेद नाम से उच्चारण करते हैं तो एक विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है और हम ऋग्वेद समझ लेते हैं भाव क्या है भाव यह है कि वेद शब्द कहने मात्र से ही ऋग्वेद का बोध हो जाता है जिस प्रकार वेदांत शब्द के उच्चारण से शंकर प्रणीत अद्वैत वेदांत का बोध होता है उसी प्रकार वेद इस शब्द के उच्चारण मात्र से ऋग्वेद का बोध हो जाता है हम लोग सभी जानते हैं कि विश्व सभ्यता का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ उसे ग्रंथ ना कहकर यदि विश्व सभ्यता का सर्वोत्कृष्ट परिष्कृत सर्व परिष्कृत और सर्व प्राचीन जो विचार और चिंतन है वह ऋग्वेद है ऋग्वेद जैसा नाम ही है ऋख और वेद अर्थात यह ऋचाओं का संकलन है मंत्रों का संकलन इसमें है और उन मंत्रों का उपयोग यज्ञ के अवसर पर हुआ करता है बड़ी अच्छी पंक्ति है इस ऋग्वेद के विषय में कि तस्मात यज्ञात सर्वहुत ऋच जगिरे ये पंक्ति प्राप्त होती है ऋग्वेद की परिचर्चा के क्रम में ऋग्वेद सभी वेदों में अभ्यर्थित है सभी वेदों में अभ्यर्हित है और सभी वेदों में प्रशंसित है यज्ञ की पूर्णता की दृष्टि से ऋग्वेद की ऋचाओं का सर्वाधिक महत्व है इसी प्रकार हम एक और उदाहरण लेते हैं जो अभी हमने चर्चा की आपके सामने कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष की परिकल्पना की गई है और कहा गया है कि ऋचाओं की रचना सर्वप्रथम उस परम पुरुष के द्वारा हुई है। यानी ऋग्वेद स्वयं अपनी रचना के विषय में प्रमाण प्रस्तुत करता है जिस ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष की परिकल्पना की गई और उस विराट पुरुष के द्वारा यह कहलवाया गया कि ऋचाओं की रचना परम पुरुष के द्वारा सर्वप्रथम हुई और वही पंक्ति अभी हमने संस्कृत की आपके सामने सुनाई थी पुरुष सूक्त की कि तस्माद्ञात सर्वहुत रिचह सामानी जगे हम इनके शाखाओं की चर्चा करते हैं शाकल शाखा जिसकी बाष्कल शाखा अश्वलायन शाखा शांखायन शाखा और मांडुकायन शाखा मित्रों ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख प्राप्त होता है और वे 21 की 21 शाखाएं समुपलब्ध नहीं हैं उनमें से ये शाकल बाष्कल आश्वलायन शांखायन और मांडुकायन शाखा की चर्चा प्राप्त होती है इनमें भी शाकल एवं बाष्कल शाखा मात्र ही उपलब्ध है शांखायन एवं आश्वलायन शाखाओं के ब्राह्मण तथा उपनिषद तो प्राप्त होते हैं लेकिन उनकी संहिताएं प्राप्त नहीं होती है दूसरे शब्दों में कि जो पांच नाम हमारे सामने शाखाओं के आए उन पांचों में भी केवल बाष्कल और शाकल अस्तित्व में है अन्य शाखाओं के ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद ग्रंथ प्राप्त होते हैं लेकिन उनकी संहिता प्राप्त नहीं होती अब जो अगर हम देखें ऋग्वेद का जो हमारे सामने स्वरूप प्राप्त होता है वह स्वरूप दो रूपों में प्राप्त होता है हम उसे कह सकते हैं कि मंत्रों के समायोजन की दृष्टि से हम ऋग्वेद का विभाजन करते हैं और तदनुसार ऋग्वेद का विभाजन दो रूपों से किया जाता है दो भागों में किया जाता है और वह है ऐतिहासिक विभाजन और दूसरा है पाठ परक विभाजन ऐतिहासिक विभाजन जिसे कि मंडल क्रम कहते हैं और उसके बाद है पाठ परक जिसे कि अष्टक क्रम कहते हैं वस्तुतः मित्रों हमारे सामने जो ऋग्वेद उपलब्ध है और उस ऋग्वेद के विषय में जैसे अभी हमने चर्चा की थी कि दसवें मंडल में पुरुष सूक्त है अर्थात जिस तरह हम आधुनिक ग्रंथों को अध्यायों में विभक्त करते हैं सर्गों में विभक्त करते हैं उपसर्गों में विभक्त करते हैं उसी प्रकार ऋग्वेद को भी अगर पाठ की दृष्टि से हम देखें तो उनका विभाजन किया गया है और वो मंडल क्रम से विभाजन है और ये मंडल ऋग्वेद में तदनुसार दस मंडल पाए जाते हैं अब ये जो इनका जो विभाजन है जिसे ऐतिहासिक विभाजन की हम चर्चा कर रहे हैं अगर देखें तो ऋग्वेद का विभाजन मंडल क्रम से है उसी मंडल में हम अनुवाक पाते हैं फिर अनुवाक में सूक्त पाते हैं और सूक्त में मंत्र पाते हैं तदनुसार हम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ऋग्वेद में दस मंडल हैं पचासी अनुवाक हैं दस यानी एक सूक्त हैं और कुल मंत्रों की संख्या या यूं कहें कि मंत्रों की कुल संख्या दस हजार पांच सौ बावन है अब इसमें एक चीज जो सूक्त और मंत्र विशेष है इन पर हम विशेष रूप से ध्यान कर लें कि सामान्य रूप से दस सौ सत्रह सूक्त हैं लेकिन आठवें मंडल में ग्यारह खिल सूक्तों की संख्या पाई जाती है और उन ग्यारह खिल सूक्तों को मिलाकर के खिल सूक्त से तात्पर्य परिशिष्ट है इन ग्यारह सूक्तों को मिलाकर के कुल संख्या दस सौ अट्ठाईस होती है अन्यथा जो सामान्य चर्चा होती अगर सामान्य है अगर सामान्य प्रश्न है अगर खिल सूक्तों को हम छोड़ दें तो सूक्तों की कुल संख्या एक हजार सत्रह मात्र रह जाती है और हमने अभी जैसा कहा कि एक हजार सत्रह या एक हजार अठाईस सूक्त हैं तो उन सूक्तों का विभाजन भी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस मंडल में कितने सूक्त हैं तदनुसार प्रथम मंडल में एक सौ इक्यानवे सूक्त हैं द्वितीय मंडल में तैतालीस सूक्त हैं तृतीय में बासठ सूक्त हैं चतुर्थ में अठावन सूक्त हैं पंचम में सतासी ष्ट में पचहत्तर सप्तम मंडल में एक सौ चार अष्टम मंडल में बानवे नाइनटी टू आप देखेंगे उसके साथ ब्रैकेट में ग्यारह है वो उसी ग्यारह की चर्चा है जिसकी मैंने पीछे भी कहा कि खिल सूक्त कहा जाता है नवे मंडल में एक सौ चौदह और दसवें मंडल में, में पुनः एक सौ इक्यानवे तद अनुसार फिर आप देखेंगे कि एक योग बनाने की कोशिश की गई एक हजार सत्रह जमा ग्यारह और कुल एक हजार अट्ठाइस मंत्र हैं अब सूक्त हैं अगर इन सूक्तों के आधार पर हम विश्लेषण करें तो सूक्तों की संख्या के आधार पर प्रथम और दशम मंडल सबसे बड़ा मंडल हम देख पा रहे हैं क्योंकि दोनों में एक सौ इक्यानवे और एक सौ इक्यानवे सूक्त हैं अन्य मंडलों में अपेक्षाया इन सूक्तों की संख्या कम है अब प्रत्येक मंडल कि चर्चा से पूर्व हम दो तीन सूचना ग्रहण कर लें कि ऋग्वेद के जो मंडल का विस्तार है उन मंडलों का यदि भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए तो उस अध्ययन के उपरांत समीक्षकों ने वे, वेद के विद्वानों ने एक यह निष्कर्ष दिया है कि इनके दूसरे मंडल से लेकर के सातवें मंडल ही मूल हैं सर्वप्राचीन हैं प्रथम मंडल अष्टम नवम और दसम ये मंडल जो है बाद में इन मंडलों का निर्माण हुआ है और तदनुसार ये जो दो से लेकर के सात मंडलों की चर्चा है इन मंडलों का संबंध किसी न किसी ऋषि या किसी न किसी वंश से है तदनुसार हम ये देखते हैं कि दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे और सातवें मंडल के एक विशिष्ट ऋषि प्राप्त होते हैं जैसे आप स्क्रीन पे अभी देख पाएंगे जहां पर कि हमने सूची दी है मंडलों की के ऋषि के विषय में द्वितीय मंडल हैं तो द्वितीय मंडल के ऋषि का नाम गृत समद है इसी तरह तृतीय मंडल से संबद्ध ऋषि का नाम विश्वामित्र है चतुर्थ मंडल से संबद्ध ऋषि का नाम वामदेव है पंचम मंडल से संबद्ध ऋषि का नाम अत्रि है ष्ठ से भारद्वाज और सप्तम से वशिष्ठ है अष्टम मंडल के सामने भी हम नाम प्राप्त कर पा रहे हैं और वह नाम है कण्व और अंगिरा अब देखिए कण्व और अंगिरा जो ऋषि हैं, ये कण्व और अंगिरा वस्तुतः वंश पर वंश वाले ऋषि हैं तो आठवें मंडल में भी हम क्या पाते हैं कि वंश विशेष से संबद्ध हैं चूंकि द्वितीय से लेकर के सातवें तक विशिष्ट ऋषि या विशिष्ट वंश के उल्लेख प्राप्त हम कर पा रहे हैं इसलिए इन मंडलों के समूह को यानी दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे और सातवें मंडल को वंश मंडल कहा जाता है देखिए परीक्षोपयोगी ये सूचनाएं होती हैं आप कहीं भी जाते हैं तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि वंशमंडल किसे कहा जाता है या दूसरे मंडल से लेकर के सातवें मंडल तक को किस विशिष्ट नाम से जाना जाता है तो हमारे लिए ये सामान्य सूचना बनकर आती है कि इस मंडल को वंशमंडल कहा जाता है एक और विशिष्ट यहां पर हमें बात देखनी है कि जो नवम मंडल है इस नवम मंडल में सोम देवता की स्तुति है केवल सोम देवता की स्तुति है और सोम का एक नाम पवमान है क्या है सोम का एक नाम पवमान है तदनुसार इस मंडल को पवमान मंडल भी कहा जाता है यानी प्रश्न यदि यह पूछा जाए कि नवम मंडल को किस विशिष्ट नाम से जाना जाता है तो वहां पर हम उल्लेख लाते हैं वहां पर हम चर्चा करते हैं कि उसको पवमान मंडल कहते हैं मित्रों इन मंडलों की दृष्टि से जो विशिष्ट बात हमारे सामने आई कि मंडल क्रम के विभाजन के अनुसार दस मंडल हुए और उन मंडलों में दो से लेकर के सात मंडल तक के ऋषियों की चर्चा आती है आठ मंडल में भी कण्व और अंगिरा ऋषि के नामोल्लेख प्राप्त हुए हमने वंश मंडल को जाना है और हमने पवमान मंडल को भी जानने का प्रयास किया है अब जैसे उदाहरण लेते हैं जो प्रथम मंडल और दशम मंडल है जैसा कि मैंने कहा कि भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर इन मंडलों को बाद का माना जाता है और स्वाभाविक रूप से हम जब दशम मंडल पे फोकस करते हैं जब दशम मंडल में प्रवेश करते हैं तो इसमें जो दार्शनिक विचारधारा है वो काफी पे है वो उत्कर्ष पे है दार्शनिक विचारधारा जैसा पुरुष सूक्त कहा बहुत ही प्रसिद्ध पुरुष सूक्त है जिसका कि प्रसिद्ध मंत्र है ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृत आदि तो ये जो पुरुष सूक्त है ऐसा प्रतीत तो होता है कि ये बाद में लिखा गया है और ऐसे कई सारे एक बहुत ही प्रसिद्ध सूक्त है अक्ष सूक्त जिसके आधार पर कालीन समाज का बड़ा ही सुंदर विश्लेषण प्राप्त होता है और मित्रों यह जानकर के आपको सुखद आश्चर्य लगेगा कि हमारे क्रांत द्रष्टा ऋषियों ने भी उस समय जुआ न खेलने का निषेध किया था और हम आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जुआ खेले जाने के कारण किस विशिष्ट वंश का सर्व सर्वस्व विनष्ट हो गया और ऋग्वेद के अक्ष सूक्त में जो कि दसवें मंडल का है उसमें स्पष्ट कहा गया है अक्षेर मादिव्यह कृषिमित कृषस्व यानी पासों से मत खेलो अर्थात जुआ मत खेलो कृषिमित कृषस्व अपनी जो जीविका है कृषि है केवल उस पर ध्यान लगाओ खेती करो यहां पर खेती उस प्राचीन परंपरा का एक उद्योग है एक व्यवसाय है हमारी जीविका का प्रधान साधन है, इसलिए पर कृषस्व का ये कदापि अर्थ हम नहीं लेंगे कि आज भी हम केवल और केवल और केवल खेती ही करें बल्कि यह प्रतीकात्मक अर्थ बन जाता है कि अपने अपने युग अपने काल अपनी परंपरा के अनुसार जो वंश का प्रमुख व्यवसाय है जो प्रमुख जीविका है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो तो जैसा मैंने कहा कि किस प्रकार स्पष्ट रूप से पारदर्शिता पूर्वक जुआ का निषेध किया गया है और मित्रों उसमें जुए विभीषिका का भी वर्णन है यद्यपि यहां पर अभी उल्लेख नहीं है क्योंकि ऋग्वेद के अन्य ही सीगमेंट में हम जब चर्चा करेंगे विभिन्न प्रसिद्ध सूक्तों की तो उस समय हम अक्ष सूक्त का भी विश्लेषण करेंगे लेकिन ऋग्वेद में इससे सुंदर ऋग्वेद क्या बल्कि ऋग्वेद के अतिरिक्त किसी भी अन्य ग्रंथ में इससे सुंदर सामाजिक चित्रण प्राप्त नहीं होता जितना सुंदर की अक्ष सूक्त में प्राप्त होता है हमने ऋग्वेद का विभाजन किया था और ऋग्वेद के विभाजन के लिए हमने दो भेद किए थे जिसमें पहला भेद हमने रखा था ऐतिहासिक विभाजन और उसका नाम दिया था मंडल क्रम उसके बाद एक और विभाजन प्राप्त होता है जिसको कि नाम हमने दिया था पाठ परक विभाजन और तदनुसार उसका जो प्रसिद्ध नाम है वह है अष्टक्रम यह जो अष्टक शब्द लग रहा है ऐसा लग रहा है कहीं आठ आठ के समूह को ध्यान में रख करके यह विभाजन बना है आप नीचे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जहां पर कि अध्याय है वर्ग है और मंत्र समूह है यहां आठ आठ के अध्यायों में हम इसका विभाजन पाते हैं यानी आठ आठ अध्याय का एक अष्टक है तदनुसार आप देखेंगे कि ये चौसठ अध्याय हुए तो आठ अष्टक हो रहे हैं और प्रत्येक हम देख रहे हैं कि जो अध्याय है प्रत्येक अष्टक है उसमें एक से नौ मंत्र हैं और उससे अध्याय के बाद इनका विभाजन हम वर्ग में पाते हैं और वर्ग में मंत्र समूह हैं तदनुसार अनुसार मंत्र समूहों की कुल संख्या बीस सौ चौबीस बन पा रही है अर्थात ये जो अष्टक विभाजन है ये बहुत ही प्रचलित नहीं है बहुत ही प्रचलित नहीं हो पाया इसका यह मतलब नहीं कि अष्टक क्रम के आधार पर ऋग्वेद प्राप्त नहीं होते लेकिन आज सर्वत्र जो अध्ययन की दृष्टि से है हम लोग सभी अनुपालन मंडल क्रम का ही करते हैं और मंडल क्रम में एक विस्पष्टता है एक सुस्पष्टता है और उस मंडल क्रम के आधार पर हम यह जानने की कोशिश कर लेते हैं बल्कि सारी बातें हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है इसके साथ ही एक और प्रश्न उत्पन्न होता है मंडल क्रम हर एक मंडल से अलग अलग ऋषियों का नाम उन ऋषियों की भूमिका हमने उन ऋषियों के लिए पुनः पुनः शब्द प्रयोग किया क्रांत दृष्टा ऋषि एक चर्चा आती है कि ऋग्वेद का निर्माण किसने किया और यह भ्रांतिजन्य है अलग अलग ढंग से लोग इसका विश्लेषण करते हैं कोई उसे इस वेद को अपौरुषेय कहते हैं तो कोई एक निश्चित कालखंड में रचा गया मानते हैं अपौरुषेय हो या निश्चित कालखंड में रचा गया हो या ऋग्वेद की रचना के विषय में जितनी भी संभावनाएं उत्पन्न की गई हैं हम तो उनकी विस्तृत चर्चा इसके बाद की श्रृंखला में करेंगे लेकिन यहां पर यह बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस प्रदेश इस ऋग्वेद का निर्माण या ऋग्वेद की रचना किस प्रदेश विशेष में हुआ या किस काल विशेष में हुआ मित्रों जरा हमें इसकी संरचना पर ध्यान देना होगा ऋग्वेद की संरचना पर केवल तार्किक दृष्टि से यह विश्लेषण करने का प्रयास मात्र है हम आप पाते हैं बल्कि एक सामान्य बातें हमें बताई जाती है कि जो कश्मीर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस प्रदेश में या जिसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है इस प्रदेश में ऋग्वेद की रचना हुई है ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है इस कहने के पीछे मूल कारण यह है कि ऋग्वेद में जिन जिन नदियों की सर्वाधिक चर्चा हुई है वे सारी की सारी नदियां इसी सप्त सिंधु प्रदेश में है सिंधु नदी है शतुध्री यानी सतलज है राबी इरावती है विपाशा व्यास है झेलम है चिनाब है कुभा है आदि इस प्रकार सात नदियों की बहुत अधिक चर्चा प्राप्त होती है लेकिन क्या कारण है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली दो नदियां गंगा और यमुना का विशिष्ट उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त नहीं होता जैसे कि शायद कभी हमने सूचना दी होगी आप लोगों को कि गंगा नदी का उल्लेख समग्र ऋग्वेद में केवल एक बार है इसी प्रकार यमुना नदी का उल्लेख दो या तीन बार है अब इसको अगर हम तर्क की धारा पर दें तो एक प्रव्रजन की परंपरा चलती है हम पश्चिम से क्रमशः पूरब की ओर बढ़ते गए और पश्चिम यानी सिंधु घाटी सिंधु नदी पश्चिम यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो उत्तरी भाग है कश्मीर होते हुए हम पंजाब हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते गए तो स्वाभाविक रूप से उस यात्रा में जिन जिन तत्वों जिन जिन प्राकृतिक तत्वों से हमारी भेंट होती जाएगी तदनुसार उनका उल्लेख होता जाएगा और जिस प्रदेश विशेष में इसकी रचना चल रही होगी चूंकि उस प्रदेश विशेष में यमुना या, या गंगा नहीं है इसलिए उसका उल्लेख वहां पर उपलब्ध नहीं होगा इसलिए निष्कर्ष के रूप में ये एक विचार किया जाता है कहा जाता है कि इसकी रचना सप्त सिंधु प्रदेश में या आधुनिक संदर्भ में कहें तो पंजाब कश्मीर अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो वो प्रदेश है उस प्रदेश विशेष में क्रांत दृष्टा ऋषियों ने इसकी रचना की होगी दूसरी प्रमुख बात यह है कि ये स्वाभाविक रूप से किसी एक प्रदेश मात्र की रचना नहीं रही होगी क्यों क्योंकि यदि प्रदेश विशेष की यह रचना होती तो उनमें भाषा में एक सामंजस्य होता भाषा में एक कॉन्टिन होती सातत्य होता तारतम्य होता लेकिन हम क्या पाते हैं कि प्रयोग भिन्नता है अलग अलग पॉकेट अलग अलग प्रदेश में जो प्रचलित भाषा होगी उस प्रचलित भाषा में ही उस प्रचलित जो कह सकते हैं व्याकरण के अनुसार ऋग्वेद के मंत्रों की रचना हुई है और हम आप स्वाभाविक जानते हैं अगर आधुनिक संदर्भ में इस चीज को जानने की कोशिश करें तो दिल्ली की हिंदी यूपी की हिंदी पंजाब की हिंदी या बिहार की हिंदी है हिंदी लेकिन अलग अलग प्रदेश में अलग अलग ढंग से यह हिंदी बोली जाती है और यही कारण है कि हम उस हिंदी में एक विविधता प्राप्त करते हैं लेकिन जब इसी हिंदी को विशुद्ध व्याकरण से हम मढ़ देते हैं गढ़ देते हैं नियंत्रित कर देते हैं तो वह कश्मीर की हिंदी हो या कन्याकुमारी की हिंदी हो पुस्तक रूप में वह हिंदी वही बन के आ जाती है यदि हम उसे आंचलिकता के अंतर्गत ना देखें ठीक इसी प्रकार अगर हम यह कहें कि अलग अलग स्थान पर निवास करने वाले अलग अलग क्रांत ऋषियों ने अपनी अपनी प्रचलित भाषा के अनुरूप इस ऋग्वेद का निर्माण किया तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि यदि किसी एक व्यक्ति के द्वारा या किसी एक स्रोत के द्वारा या किसी एक स्थल विशेष पर इस ऋग्वेद का उद्भव हुआ होता तो समस्त ऋग्वेद की भाषा एक होती जो नहीं है यह भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण है और चूंकि भाषा एक नहीं है इसलिए रचयिता भिन्न हो सकते हैं क्योंकि अगर रचयिता एक होगा तो भाषा भी एक होनी चाहिए भाषा की समानता होनी चाहिए लेकिन हम ऐसा नहीं पाते हैं तो इसलिए भी जो इनके निर्माता रहे होंगे जिस क्रांत दृष्टा ऋषि के मुख से ये मंत्र निःसृत हुए होंगे वे अलग अलग रहे होंगे इसलिए जैसे कि मैंने प्रारंभ में सूचना दी थी कि ऋषि कुलों में बिखरे हुए मंत्रों का जो संकलन है वही संहिता रूप है और इसका भाव क्या निकलता है अलग अलग ऋषि होंगे उन ऋषियों के अलग अलग कुल होंगे उन कुल में अलग अलग मंत्र होंगे उन मंत्रों को संपादित कर संकलित कर एकत्रित कर हमारे सामने आज प्रस्तुत किया गया लेकिन इस सबकी एक प्रमुख विशेषता ध्यान देने योग्य है मित्रों आज जब पुस्तकों की रचनाएं होती हैं, तो 10-20 वर्षों के बाद में ही उसमें पाठभेद आने प्रारंभ हो जाते हैं उनमें हम अंतर पा लेते हैं पाठभेद को समझने का एक छोटा सा उदाहरण हम आपके सामने देते हैं वो उदाहरण है महाकवि कालिदास के अभिज्ञान और शाकुंतलम का सातवां पद्य है प्रथम अंक का कि ग्रीवा भंगाभिरा मुहर अनुपतति स्यंदने दत्त दृष्टि ये जो दत्त दृष्टि है इस शब्द का कहीं कहीं हमें पाठभेद प्राप्त तो होता है ग्रीवा भंगाभि रामम मुहुर्नुपतने दूसरे शब्दों में एक हिरण का पीछा दुष्यंत अपने रथ पर कर रहा है और दुष्यंत भागा जा रहा है तो वहां सॉरी क्षमा करेंगे वह मृग वह हिरण जो है वह भागा जा रहा है आगे आगे और दुष्यंत उसका पीछा कर रहा है शिकार के लिए वहां पर कवि चित्रण कर रहा है कि किस प्रकार कुलांचे भर भरकर वह हिरण भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए और जान बचाने के लिए वह हिरण पीछे की ओर मुड़ करके देख रहा है अब यहीं पर यह शब्द जो है कि दत्त दृष्टि होगा या बद्ध दृष्टि होगा यह पाठभेद को सिद्ध करेगा अगर बद्ध दृष्टि कहेंगे तो इसका मतलब यह होता है कि उस हिरण की दृष्टि आगे भागते हुए पीछे के रथ पर बंधी हुई है यह संभव नहीं है क्योंकि पीछे देखते हुए कोई भी जीव कोई भी प्राणी यहां तक कि मानव आगे नहीं दौड़ सकता दो या तीन कदम के बाद ही वह गिर पड़ेगा तो इसलिए बद्ध दृष्टि शब्द जो है यह गलत प्रतीत तो होता है और वहां पर दत्त दृष्टि शब्द हम प्राप्त करते हैं जिसका अर्थ जिसका हम अर्थ लेते हैं जिसका भाव यह ग्रहण करते हैं कि पीछे वह पीछे मुड़मुड़ करके वो देखता है यानी कुछ भागने के बाद फिर पीछे मुड़कर देखता है कि रथ कितना दूर है तद गति बढ़ाएगा या घटाएगा फिर थोड़ी दूर दौड़ने के बाद फिर पीछे मुड़ता है तो ये एक जो है ये तार्किक रूप प्रतीत तो होता है तो कालिदास की रचनाओं में पाठ भेद प्राप्त होता है इसी तरह अन्य कवियों की रचनाओं में भी बहुत अधिक पाठ भेद देखे जाते हैं यहां तक कि कालिदास के स्वयं के अन्य ग्रंथों में भी पाठ भेद है आषाढ़ प्रथम दिवस तो आषाढ़ प्रशम दिवस है लेकिन ऋग्वेद के संदर्भ में यह आश्चर्यजनक विशेषता है कि निर्माण के बाद से लेकर के आज तक पाठभेद नहीं पाया जाता किसी भी प्रकार का पाठभेद नहीं पाया जाता किसी भी प्रकार का विकार नहीं देखा जाता ऋग्वेद के उन मंत्रों में आश्चर्य की बात है अभूतपूर्व है पूर्व है अद्भुत है लेकिन जो भी अदृष्ट पूर्व होता है अद्भुत तो होता है अभूतपूर्व तो होता है उसके पीछे भी कोई कारण अवश्य होना चाहिए प्रश्न उत्पन्न यह होता है कि उस समय जब लेखन परंपरा का ऐसा विकास नहीं हुआ था जैसा आज हमारे सामने है तब कोई पाठ भेद नहीं है तो क्यों नहीं है तो मित्रों इसे भी जानने की कोशिश बल्कि इसमें बहुत अधिक माथा पच्ची नहीं करनी है क्योंकि यह सहज है ऋग्वेद के विषय में यह कहा जाता है कि यह वाचिक परंपरा से सदियों तक हजारों वर्ष तक वाचिक परंपरा से ये मंत्र चलते रहे अर्थात गुरु मुख से श्रवण के अनंतर शिष्यों ने ग्रहण किया और जैसा गुरु ने सुनाया वैसा ही शिष्य ने ग्रहण किया शिष्य ने फिर अपने शिष्य को शिष्य ने प्रशिष्य को ये परंपरा चलती रही तो वाचिक और श्रुति इन दोनों परंपराओं के आधार पर इसमें किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं प्राप्त होता है किसी भी प्रकार का इसमें विकार प्राप्त नहीं होता और यही कारण है कि सदियों की इस परंपरा में हजारों वर्षों की परंपरा में ऋग्वेद के मंत्रों में रंच मात्र भी किसी भी प्रकार का कोई भेद कोई दोष नहीं देखा जाता है अब आधुनिक संदर्भ में स्वाभाविक है कि चूंकि हमारे सामने भौतिकता निकष पर है और हम आप भी लिखने में गलतियां कर देते हैं र कभी कभी क बन जाता है तो अगर हमें राम लिखना होता है तो वो काम बन जाता है इसी प्रकार कई सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें कि गलतियां होती है तो लेकिन आधुनिक मशीनी गलतियां हो रही हैं मानवीय गलतियां हो रही है चूंकि हम अपने मन से उसको पूरा कर रहे हैं निकाल रहे हैं लेकिन जब भी वो बातें जो हम सुन करके बोलते हैं उनमें गलतियां नहीं होती है और इसी सुनने का हम कह सकते हैं कि हम पाते हैं अंतर कि शाम को यदि किसी ने श्याम कह दिया और हमने उस श्याम शब्द को एडॉप्ट कर लिया तो परंपरा में श्याम को हम आज भी श्याम कहने लगे वो श्रुति और वाचक की दृढ़ता है लेकिन वो गलत है या सही है ये विवेचन के बाद का विषय है लेकिन ऋग्वेद के संदर्भ में ये बड़ा ही सुंदर है और कालांतर में फिर बाद में उसकी मेथोडोलॉजी उनको एज इट इज बनाए रखने के लिए उनकी मेथोडोलॉजी का भी विकास किया गया जिसमें कि हम पाठ भेद सॉरी पाठ पदपाठ पाते हैं पदपाठ से तात्पर्य है कि जैसे जैसे शब्द लिखे गए किन वर्णों पर किन पदों पर किस प्रकार हमें स्ट्रेस डालना है कहाँ पर हमें उदात्त रखना है कहाँ पे हमें अनुदात्त रखना है और कहाँ हमें स्वरित उच्चारण करना है इन सारी बातों का विधान हुआ और वेदांग में आकर के जब हम शिक्षा आदि ग्रंथों की चर्चा करेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि वैदिक मंत्र और वैदिक उच्चारण को सुरक्षित रखने मात्र के लिए प्राचीन ऋषियों ने कितना सार्थक और कठोर श्रम किया है वह अपने आप में आश्चर्य की बात है शिक्षा में शिक्षा के अंतर्गत ध्यान रखेंगे शिक्षा से तात्पर्य यहाँ एजुकेशन नहीं है बल्कि शिक्षा एक परंपरा है जिसके अंतर्गत इन वैदिक मंत्रों को सुरक्षित रखने की मेथडोलॉजी का विकास किया गया है तो वो उसे हम जानेंगे वेदांग आदि के माध्यम से मित्रों आज जो हमने वेद या ऋग्वेद के विषय में सूचना प्राप्त की ऐसा प्रतीत तो होता है कि आज की समग्र सूचना हमने आपके लिए एक संरचनात्मक सूचना आपके सामने प्रस्तुत की है और यह जो संरचना ऐसी है उसे संरचना के अंतर्गत रहते हुए हम अपने वैदिक ज्ञान को आगे निकाल पाते हैं इस क्रम में हमने व्याकरण या भाषा की चर्चा नहीं की है कि क्या अर्थ होना चाहिए या यहां पर कौन सी विभक्ति है या कौन सा वचन है क्योंकि यह उद्देश्य भी नहीं होता जब हम ऋग्वेद आदि के इतिहास के विषय में जानने की कोशिश करते हैं वहां पर केवल यह है कि कैसा क्या ऋग्वेद का इतिहास है या उस इतिहास के माध्यम से आज हम किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं यही हमारा यहां का आज का प्रमुख उद्देश्य है मैं समझता हूं कि ऋग्वेद के विषय में आज की यह परिचर्चा कहीं ना कहीं आपके जीवन में किसी पाथेय के रूप में काम आएगा आपने इतना साथ दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पंकज मिश्र को जिस तरह से उन्होंने व्याख्या दी है इस पूरे टॉपिक पर इस हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी इससे लाभान्वित हुए होंगे और लाभान्वित होंगे भी अगर आप YouTube पर हमारे लेक्चर्स को देखेंगे और इन लेक्चर्स के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर पंकज मिश्र क्योंकि हमारे पास कुछ चंद लम्हे यहाँ पर हैं तो आपसे जानना चाहेंगे जैसे कि आपने बताया संस्कृत साहित्य के बारे में वो स्टूडेंट्स जो हमें देखते हैं और हमारे लेक्चर्स को, आ, कहते हैं कि अपने अंदर समाने की कोशिश करते हैं जानकारी प्राप्त कर, कर। आ, अगर स्टूडेंट्स सा, संस्कृत साहित्य के इतिहास पर कुछ किताबों से कंसल्ट करना चाहें तो वो कौन सी किताबें हैं जिनसे वो संपर्क कर सकते हैं गीतिका जी आपने एक तरह से ये ऐसा प्रश्न पूछा जो हर जगह पे यही पूछा पर यही प्रश्न पूछा जाता है यद्यपि इतिहास विषयक कई ग्रंथ लिखे गए हैं लेकिन हम लोग जिन्हें अपना एक प्रमाणिक सोर्स मान के चलते हैं उसमें कई सारे हैं जिसमें कि एक आ, हम बराबर कहा करते हैं कि विंटरनिथ्स की एक किताब है जो जिसमें कि वैदिक हिस्ट्री की बड़ी अच्छी चर्चा है इसी तरह आचार्य राममूर्ति शर्मा हैं हमारे बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान एक है हो चुके हैं बलदेव उपाध्याय पद्मश्री बलदेव उपाध्याय जी उनकी भी जो पुस्तिक पुस्तक है वैदिक संस्कृत का इतिहास वो और आज के संदर्भ में बच्चों के लिए जो बच्चे टेक्स्ट बुक के रूप में यूज कर रहे हैं उसमें उमाशंकर शर्मा ऋषि जी की किताब है जो चौखंबा पब्लिकेशन से प्रकाशित है और इसी प्रकार आज के जो मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी जी है उनकी उनकी एक पुस्तक है अभिनव संस्कृत साहित्य का इतिहास तो हम यही अपने श्रोताओं से दर्शकों से ये कहेंगे कि इन इन पुस्तकों को संपर्क करें और आश्चर्य यह है कि इन पुस्तकों की बहुत अधिक कीमत भी नहीं है तो टेक्स्ट बुक के रूप में इनमें से किसी भी एक पुस्तक को वे अपने पास रख कर चल सकते हैं जी बिल्कुल आपके तहत सभी देखने वालों तक सामग्री उत्पन्न हो रही है संस्कृत इतिहास जिस की आज हमने चर्चा करी और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम इस सीरीज के अंतर्गत आपके लिए लेक्चर्स आयोजित करेंगे मित्रों अगर आपके कोई भी सुझाव हैं कोई भी प्रश्न है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी है इन्फो हम कोशिश करेंगे कि अगली बार जब डॉक्टर पंकज मिश्रा हमारे स्टूडियो पहुंचे तो हम आपके सवालों का जवाब दे पाएं साक्षात इन लेक्चर्स के माध्यम से जिससे कि आपके पास जानकारी भी हो और साथ ही साथ आपकी जिज्ञासा की तृप्ति भी हो जाए तो एक बार फिर से हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉ पंकज मिश्र का डॉक्टर पंकज मिश्र आपको बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू